वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले, जैसे आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे CITS का जो रिजल्ट था इंट्रेंस टेस्ट वो आ गया है। तो आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज लड़कों का कितना नंबर आ रहा है इलेक्ट्रीशियन में। जो जो मेरे जान पहचान के जो लड़के थे जो ITI कर रहे थे, तो वो एग्ज़ाम दिए थे CITS करने के लिए। तो देखते हैं कि उनका मैक्सिमम कितना नंबर आ रहा है। किसी का 55, मतलब अप्रॉक्स जितना लोग हमारे मतलब जान पहचान के थे या जो हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो अप्रॉक्स उनका रिजल्ट हम यही देख रहे हैं कि उनका रिजल्ट अप्रॉक्स 55 से लेकर 70 के बीच में है। इलेक्ट्रीशियन का बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रीशियन से ही हैं, तो इलेक्ट्रीशियन से अप्रॉक्स लड़के यही बोल रहे हैं कि मेरा 55 है, कोई बोल रहा है 70 है, कोई का 45 भी है। मतलब एक दो लड़के ऐसे हैं जिनका हमें कंफर्म पता है, मगर वो अपना अभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं, जिनका 80+ है इलेक्ट्रीशियन में। ऐसे लड़के हैं कम से कम हमारे जान पहचान में भी 10 लड़के हैं जो हो सके कि 80+ है तो कानपुर ले, क्योंकि कानपुर का ही कटअप सबसे ज़्यादा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को पुराना वाला जो कट ऑफ है वो भी दिखा देंगे कि कितने नंबर पे किसको कहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कहाँ पे कितना में एडमिशन हुआ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक लड़का था, उसका कितना नंबर आया था, 55 नंबर आया था। कौन सा ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट भी आएगा, जो ये पुराना डेट था, पुराना डेट के हिसाब से रिजल्ट तो 26 तारीख को आना था, मगर 1 तारीख को आया। जो काउंसलिंग का डेट था वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अब काउंसलिंग का डेट तो यहाँ 8 तक दिया हुआ था, शायद 8 तारीख से काउंसलिंग का डेट बढ़े, क्योंकि 8 तारीख को यहाँ CITS का फाइनल एग्ज़ाम है, ED का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 8 तारीख को जो संडे है। हाँ, तो पहले ये भी बता दें कि संडे को भी काउंसलिंग होता है, ये नहीं है कि संडे को कॉलेज बंद रहता है। जब काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा तो आपको संडे को भी काउंसलिंग जाकर करना है। संडे को के दिन कोई भी CITS कॉलेज, चाहे वो वोमेंस कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी CITS कॉलेज हो, वहाँ जाइए। और नज़दीकी NSTI कॉलेज में जाना है, नज़दीकी NSTI कॉलेज में आप लोग को जाना है और वहाँ पे जाकर करना है। नज़दीकी NSTI कॉलेज में जाकर, चाहे वो वोमेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, जाकर आप लोग को काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग अगर संडे को है तो संडे के दिन भी काउंसलिंग होता है, कॉलेज खुला रहता है, वहाँ स्टाफ आते हैं, काउंसलिंग के लिए प्रोसेस होता है। और हाँ, IOTO में जा सकते हैं आप, तो वहाँ कहीं भी जाकर NSTI वोमेन या NSTI में जाइए। आप लोग को क्या क्या ले जाना रहता है, एक्चुअली हम बात कर लेते हैं। क्या लेके जाइएगा आप? अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और डॉक्यूमेंट के साथ ITI का मार्कशीट हो, 10th का मार्कशीट हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाइएगा। एक सेंट्रल लेवल पर अगर आप OBC में है तो OBC बना लीजिएगा, EBC में है तो EBC में बना लीजिएगा, अगर EWS में है तो EWS भी लेकर जाइएगा। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज सेंट्रल लेवल पे है। तीसरा बात, अगर तीसरा बात कर ले तो हम लोग और क्या ले जाइएगा, आप फ़ोटो ले जा सकते हैं। फ़ोटो कितना? 2 फ़ोटो, 2। और जो आपका मार्कशीट है उसका एक कॉपी आप करवा लीजिएगा, एक कॉपी आप करवा लीजिएगा, हाँ, फोटो कॉपी सबका, और उसको ले जाइएगा। आधार कार्ड ले जाइएगा, आप आधार कार्ड तो ज़रूर ही लेकर जाइएगा। इतना चीज़ ले लिए, आप अपना मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आप क्या करिएगा, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, आप पहले तो 1000 पेमेंट करिएगा काउंसलिंग करने के लिए। तो अगर यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, जब कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज जैसे ही मिल जाएगा तो आप लोग को क्या करना है, कॉलेज मिलेगा तो आपको नज़दीकी NSTI में जाना है। जो बिहार वाले हैं NSTI वोमेंस कॉलेज में भी जा सकते हैं, जो कुर्जी में है। कुर्जी में अगर हम बात करें तो आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, जहाँ पे ITI कॉलेज है, ITI कॉलेज के जस्ट बगल में NSTI वोमेंस कॉलेज है बिहार में। बिहार के लड़के यहीं जाएंगे, और बिहार के लड़के कोलकाता भी जा सकते हैं, क्योंकि जो बिहार के कुछ लोग जैसे
कटिहार साइड के लड़के, यहाँ पे कोलकाता नज़दीक पड़ेगा तो कोलकाता में भी जा सकते हैं। कोलकाता स्टेशन से 23 नंबर बस धर कर सीधे दास नगर आ जाइएगा, एकदम कॉलेज के फ्रंट गेट के सामने ही बस लगता है, वहाँ आ जाइएगा। और NSTI वोमेंस कॉलेज वहीं कुर्जी है, जो पाटलिपुत्र मॉल है, जो आपको PNM मॉल मिलता है उससे हल्का सा आगे आइएगा, कम से कम 1 किलोमीटर, तो आपको वहाँ पे NSTI वोमेंस कॉलेज दिख जाएगा। और यहाँ पे अप्रॉक्स 9:30 बजे से काउंसलिंग होना चालू हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे अब देख लेते हैं नंबर। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लड़का भी भेजा है जिसका नंबर 59 आया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अच्छा से एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई इसका दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक इलेक्ट्रीशियन का लड़का है, इसका 58 नंबर आया है। एक ये भी लड़का है, शायद सेम भेज दिया है दो बार। एक और लड़का है, उसका 45 नंबर आया, थोड़ा कम आया है, मगर कोई नहीं, इसको भी एडमिशन मिलेगा। हो सके तो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में नहीं मिलेगा, पॉपअप राउंड में इसको एडमिशन मिलेगा। हाँ, मगर अगर इसको अगर कॉलेज लेना ही लेना है, अगर ये ठान लिया है कि हमको कॉलेज लेना है, तो ये 45 नंबर पे है, तो इसे तो कानपुर नहीं मिलेगा। फिक्स है कि इस पर अगर एस सी एस टी हुआ तो मिल सकता है, नहीं तो SC ST को भी 45 नंबर पे नहीं मिलता है। कम से कम 55 नंबर लाने वाले SC ST लड़के हावड़ा में हैं, यहाँ कोलकाता में हैं, और 55 नंबर लाए हुए थे, और ये ट्रांसफ़र करने के लिए UP के लड़के हैं, वो ट्रांसफ़र करने के लिए डाले थे कानपुर, वहाँ कानपुर इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था SC ST में, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 45 नंबर है, और अगर आप OBC हैं तो आपको फिक्स, मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कहाँ मिलेगा, आपको चेन्नई मिल सकता है, वहाँ का कटअप कम जाता है, आपको बंगलोर मिल सकता है, नहीं बंगलोर भी मिल सकता है, क्योंकि बंगलोर का भी अच्छा कटअप जाता है 50 से अप्रोक्स 55 नंबर के बीच में। आपको चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद मिल सकता है, और मगर हाँ ध्यान रखिए 45 नंबर है तो हो सकता है कि आपको उड़ीसा तो मिल जाए, भुवनेश्वर का NSTI, मगर वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब आप हॉस्टल भी देख सकते हैं, जाइए अच्छे से देखिए वहाँ पे बॉय हॉस्टल है, कितना नंबर ऑफ सीट है। पहले सबसे पहले हॉस्टल अलॉट होता है SC ST को, फिर होता है PW को, जो विकलांग होते हैं उनके लिए होता है, और फिर सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होता है उसको प्रीफ्रेंस दिया जाता है हॉस्टल में। और आप एक मेडिकल भी बना लीजिएगा जब यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने आइएगा। तो आपको यहाँ तक तो हम बता दिए, चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको और स्कोर कुछ लड़कों का दिखा देते हैं। एक देखिए यहाँ पे 64 नंबर लाया, अच्छा नंबर है, इसको कोलकाता में एडमिशन आराम से होगा, हो सके कानपुर में ना हो, मगर हाँ अच्छा नंबर है। यहाँ पे देखिए एक लड़का है जिसका नंबर 59 है, तो इनको भी बधाई हो, इनको भी कॉलेज अगर चाहे तो आराम से मिलेगा। एक 55 नंबर आया है, इनको भी बधाई हो हमारे तरफ से। यहाँ पे देखिए एक को 62 नंबर आया है, इनको विवेक सिंह को, ये भी इनको भी बधाई हो, और एक को 64 आया है। तो चलिए ठीक है, यहीं तक इतना था जितना इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ध्यान से सुनिए, और अगर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ ये भी मेरे पास पूरा लिस्ट है, मेरे पास अगर आप कहिएगा तो वीडियो बना देंगे, मेरे पास पूरा लिस्ट है कितना सबसे नंबर कम कटअप गया है, कौन सा कास्ट था, मतलब OBC जनरल कौन सा कैटेगरी में आता था, मेल है या फीमेल है, वो सब का मेरे पास लिस्ट है, हर कॉलेज का लिस्ट है, हम आपको दिखा सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।